हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो अपनी कार पे कुछ स्क्रैचेस आए हुए थे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, छोटे मोटे स्क्रैचेस के लिए वो लोग इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं जिसका बेनिफिट उनको आगे नहीं मिलता है, नो क्लेम बोनस का। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे और हमने इस स्क्रैचेस को कैसे हटाया, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, इसमें एंटायर प्रोसेस है इस स्क्रैच को निकालने की, और मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि मुझे लगभग इसमें टोटल कितना खर्चा आया, और तो और मेरा नो क्लेम बोनस भी बच गया, मैंने इंश्योरेंस में इसे क्लेम नहीं करवाया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा छोटे मोटे स्क्रैचेस है, अगर आपके कार पर भी ऐसे छोटे मोटे स्क्रैचेस है तो आप इस तरीके से उन्हें रिमूव कर सकते हो, ना कि आप इंश्योरेंस क्लेम करके उन्हें रिमूव कीजिए। अगर आपके साथ में कोई बड़ा एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो आप बेफिक्र होकर इंश्योरेंस क्लेम करवाइए, बट ऐसे छोटे मोटे स्क्रैचेस के लिए बिल्कुल भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे कार से स्क्रैचेस को हटाने का काम स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें वो पहले पुट्टी से पूरा उसे अप्लाई कर रहे हैं और पूरा उसको फील कर रहे हैं, जो भी जहाँ पर भी स्क्रैचेस आए हुए थे, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको उसमें फील करके पूरा अच्छे से घिस के एक दो लेयर से वो पूरा काम अच्छे से करके देंगे। सो फ्रेंड, अभी जो पुट्टी इसने अप्लाई की थी उसे घस के निकाला जा रहा है, आप देख सकते हो वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इसमें अभी और एक बार ये देखिए आप, कंपाउंडिंग का पुट्टी लगाया जा रहा है अच्छे से पूरा। इसे फिर से अभी लगाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसे फिर से घिस कर निकाला जाएगा, और उसके बाद में फिर टेपिंग एंड ऑल। अभी आप देख सकते हो इस तरीके से इसे अप्लाई किया गया है यहाँ पर और इस साइड में। यहाँ पर मेजर स्क्रैचेस थे जिन्हें पेंट की ज़रूरत ही थी। तो फ्रेंड्स, अभी ये अच्छे से सूख गया है और इसे घस के निकाला जाएगा, आप देख रहे हो अभी। तो इसे प्रॉपर अच्छे से घिस के निकाला जाएगा जहाँ जहाँ ये अप्लाई किए थे। इससे जो गाड़ी का जो बॉडी है वो पूरा अच्छे से कम्प्लीटली, जहाँ जहाँ डीप स्क्रैचेस थे वो भर गए हैं। अब इसे घिस के प्रॉपर तरीके से निकाला जाएगा और फिर टेपिंग के बाद में इसके ऊपर से पेंट मारा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो हवा मार के जो डस्ट वगैरह है, छोटे छोटे डस्ट वगैरह होती है, उसे निकाला जा रहा है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, जो भी बम्पर है अपना वो अच्छे से क्लीन हो जाए, कोई भी उसके ऊपर डस्ट या मिट्टी या कुछ रहा नहीं, ताकि पेंट जब अप्लाई होगा तो अच्छे से हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह जो थी उसको सबको हटाया जा रहा है, अच्छे से क्लीन किया जा रहा है बम्पर को। सो फ्रेंड्स, अगर आप आपकी कार को पेंट करवा रहे हो कोई भी स्क्रैचेस के लिए, तो याद रखिए आपके जो डोर होता है वो डोर के साइड में ही यहाँ पे आपको एक पेंट का नाम और एक नंबर दिया होता है जो कि पेंट का टाइप होता है। ये पेंट है PWTYPK TRIN, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप कभी भी कोई भी कार को पेंट कराने जाओ तो आपके डोर पे पेंट का नाम वगैरह लिखा होगा, और यही आप उसे बोलिए कि यही पेंट आप लेकर आइए, ना कि अगर आपकी कार वाइट है तो कोई भी वाइट इस पर अप्लाई कर दे, फिर वो मैच नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिए।
सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टेपिंग, जब आप कलर करवाते हो आपके गाड़ी को तो इसमें टेपिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ पार्ट्स को आपको कलर करना है तो उसके आजू बाजू में जो भी चीज़ रहेगी उसे अच्छे से टेपिंग करके ढकना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर कलर लगने के बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप कलर अप्लाई करते हो तो चांसेस होते हैं कि कहीं और भी कलर लगे, इसलिए उसे ढका जाता है अच्छी तरीके से। तो टेपिंग में ही ज़्यादा टाइम जाता है उनको टेपिंग करने में। तो आप देख सकते हो अभी अपनी गाड़ी को टेपिंग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे टेपिंग लगा दी है, इधर भी टेपिंग लगा दी है और इस साइड में भी टेपिंग उन्होंने लगा दी है अच्छे से। जो ओपन एरिया है वहाँ पे पेंट हो जाएगा। इस साइड में कुछ इस तरीके से उन्होंने टेपिंग की है और यहाँ पर भी देखो। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि उनका ये जो पेंट मारने का जो मशीन है उसको अच्छे से क्लीन किया जा रहा है पानी डाल के पहले। ऑल राइट सो फ्रेंड्स, अपना कलर का काम हो चुका है और जो भी मेजर स्क्रैचेस थे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टोटली जा चुके हैं और कलर भी बहुत बढ़िया मैच हो चुका है। और इस टोटल प्रोसेस के लिए मैंने इन्हें 2500 रुपये पे किया है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो काम हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, और जो पैसे मैंने पे किए हैं वो भी सही पैसे पे किए हैं या नहीं। मैंने मेरा नो क्लेम बोनस बचा दिया है, इंश्योरेंस थ्रू मैंने ये सारे काम नहीं किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।